हेलो गाइज, अगर आपका भी यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हुआ है और आपके भी यूट्यूब चैनल पे $100 से ज्यादा की अर्निंग हो चुकी है तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने गूगल एडसन में अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बैंक अकाउंट जोड़ने के लिए आपको क्या क्या होना जरूरी है। तो गाइज, सबसे पहले आपके यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन होना चाहिए। जैसे ही आपका यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन होता है उसके बाद आपको गूगल एडसन का अकाउंट बनाना होता है। गूगल एडसन का अकाउंट बनाने के बाद आपको यूट्यूब चैनल पे लिंक करना होता है। जैसे ही आप गूगल एडसन का अकाउंट यूट्यूब चैनल पे ऐड करोगे इसके बाद क्या होगा, आपके वीडियो पे ऐड चलेंगे और हमें अर्निंग होगी और वो जो अर्निंग होगी वो हमारे गूगल एडसन में भी शो करेगी, हमारे यूट्यूब चैनल में भी शो करेगी। लेकिन आपको जो है अर्निंग आएगी गूगल एडसन से। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से गूगल एडसन में अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो और कौन कौन ऐड कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि गूगल एडसन में बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन तभी आएगा जब आपके गूगल एडसन में $100 कंप्लीट हो जाएंगे। जी हां गाइस, अगर आपके गूगल एडसन में $100 कंप्लीट हो चुके हैं तो आप अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हो और अपने पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपको अपने गूगल एडसन में जो है बैंक अकाउंट को लिंक करना है, ऐड करना है। तो गाइज, आपको गूगल क्रोम पे आ जाना होगा। यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल एडसन। जैसे आप सर्च करोगे तो आप सामने बहुत सारी वेबसाइट आएंगी, तो आपको फर्स्ट नंबर वाली गूगल एडसन की वेबसाइट को ओपन करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना होगा आपका अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के। यहाँ पे मैं साइन इन कर लेता हूँ, आपको भी यहाँ पे साइन इन कर लेना होगा। तो गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपका $100 होगा तभी आपका जो है बैंक अकाउंट का ऑप्शन आएगा लिंक करने के लिए, ऐड करने के लिए। तो आप यहाँ पे मेरा देख सकते हो $102 जो कि यहाँ पे हो चुका है, तभी मेरा यहाँ पे गूगल एडसन में बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आ चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो और पेमेंट आर करेंटली ऑन होल्ड, तो आपको यहाँ पे पेमेंट्स पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ देख सकते हो आपका पेमेंट्स का ऑप्शन जो है ओपन हो चुका है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे जरूरत क्या क्या होगी, कौन कौन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी पेमेंट्स को भरने के लिए। तो गाइस, सबसे पहले आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि आप यहाँ पे फिल करोगे। आपको उसका जो है पासबुक अपने पास रख लेना होगा और यहाँ पे आपको जो है अकाउंट नंबर फिल करना है, IFSC कोड फिल करना है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है शिफ्ट कोड। आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है उसका शिफ्ट कोड आपको मालूम होना चाहिए। अब पता कहाँ से चलेगा आपका बैंक अकाउंट का शिफ्ट कोड कहाँ है, तो आप अपने बैंक में जाकर पता कर सकते हो कि जिस भी ब्रांच में आपने बैंक अकाउंट ओपन किया है उसका शिफ्ट कोड है कि नहीं। अगर आपने जिस भी ब्रांच में ओपन किया है उसका शिफ्ट कोड नहीं है लेकिन उसी ही बैंक का जो है शिफ्ट कोड जो है अदर ब्रांच का है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। अगर आप बैंक जाकर नहीं पता करना चाहते हो शिफ्ट कोड को, तो आप यहाँ से भी पता कर सकते हो आपके बैंक का शिफ्ट कोड क्या है। अगर आपके ब्रांच का शिफ्ट कोड नहीं मिल रहा है तो आप अदर ब्रांच का शिफ्ट कोड यहाँ पे डाल सकते हो। बस आपको इतना ध्यान देना होगा कि जो भी बैंक होगा उसी बैंक का जो है शिफ्ट कोड होना चाहिए। जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक का है तो आपको पंजाब नेशनल बैंक का किसी भी ब्रांच का शिफ्ट कोड यहाँ पे डाल सकते हो और अपने पेमेंट को ले सकते हो। तो अभी के लिए जो मेरा बैंक है पंजाब नेशनल बैंक है और मेरा जो ब्रांच है उसका शिफ्ट कोड नहीं है, लेकिन मैं अदर ब्रांच का शिफ्ट कोड यहाँ पे यूज करूंगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ अगर आप बैंक जाकर नहीं शिफ्ट कोड पता करना चाहते हो तो गूगल से आप कैसे शिफ्ट कोड को पता कर सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले आपको गूगल पे आना होगा। आपका जिस भी बैंक में आपका अकाउंट होगा उसका नाम यहाँ पे लिखना होगा। जैसे कि मेरा यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक है तो यहाँ पे मैं पंजाब नेशनल बैंक शिफ्ट कोड डालकर यहाँ पे सर्च कर दूंगा। और साथ ही में आपको अपना स्टेट भी डालना है कि आप किस स्टेट में रहते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च कर देना होगा। तो यहाँ पे आप किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। तो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक है, उत्तर प्रदेश स्टेट है। आप यहाँ पे अपना सिटी डालो, आप किस सिटी में रहते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना ब्रांच नेम डालना है। अगर आपका ब्रांच नहीं मिलता है तो अदर ब्रांच का भी शिफ्ट कोड डाल के अपने पेमेंट को ले सकते हो। तो मेरा यहाँ पे ब्रांच नहीं मिल रहा है तो मैं अदर ब्रांच का शिफ्ट कोड डाल के यहाँ पे अपना पेमेंट को लूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका शिफ्ट कोड यहाँ पे शो कर रहा है। तो गाइज, यहाँ से मुझे शिफ्ट कोड पता चल चुका है। इसके बाद आपको अपने गूगल एडसन अकाउंट पे वापस आना होगा। यहाँ पे आपको पेमेंट वाले पेमेंट इन्फॉर्मेशन वाले पे क्लिक, तो यहाँ पे आपको लिख के आ रहा नो पेमेंट मेथड, तो आपको यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको इस फॉर्म को फिल करना है।
आपको क्या क्या फिल करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट नंबर पे आ रहा है बेनिफिशियल आईडी, तो ये ऑप्शनल है, आप इसे चाहो तो भर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसे छोड़ भी सकते हो। दूसरे नंबर पे है नेम ऑन बैंक अकाउंट, तो आपके बैंक अकाउंट में आपका क्या नाम है आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे बैंक नेम डालना होगा, आपका अकाउंट किस बैंक में है। इसके बाद आपको यहाँ पे आईपीएससी कोड डालना है, उस बैंक का आईपीएससी कोड क्या है आपको यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे स्विफ्ट बीआईसी, आपको यहाँ पे स्विफ्ट कोड डालना है जो कि आपने यहाँ से कॉपी किया है, उसको यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना होगा। यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पे रीटाइप अकाउंट नंबर, आपको यहाँ पे दोबारा अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका जो है सेट ए प्राइमरी पेमेंट मेथड पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना होगा। सो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि मेरा बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पे सबमिट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने बैंक अकाउंट को गूगल एडसन में ऐड कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगर आपका कोई भी क्यूरी क्वेश्चन हो तो कमेंट मुझे जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।